हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे और वहाँ काफ़ी गहरा अध्ययन करना पड़ता था, तब जाकर डिग्री प्राप्त होता या नौकरी मिलती। प्रभुपाद अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, वे चाहते थे कि देश के लिए कुछ करें। अंग्रेज़ों का शासन था इसलिए उस समय कुछ भी खुलकर बोलना बहुत खतरनाक था। जैसा कि आपको मैंने बताया था, सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज से, तो अर्थात रोजगार से भी और शिक्षा से भी दोनों से हाथ धोना पड़ सकता था। तो लुक छिप कर ये नेताओं के भाषण सुनते थे, हम स्वराज चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार, अपना स्कूल इत्यादि लोग नारा लगाते थे। और उनके पिता गौर मोहंडे, वे नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद उन हजारों लाखों लोगों में से एक हों जिन्हें भारत का भविष्य बदलना था, राजनीति बदलनी थी। वे चाहते थे कि अभय भक्त बने, राधा रानी का भक्त, एक सच्चा वैष्णव बने और भगवान कृष्ण की उपासना करे, पवित्र आचरण रखे। तो इसलिए गौर मोहंडे ने अब सोचा कि इनका विवाह कर देना चाहिए। तो वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप के द्वारा होता है, वैसे ही यहाँ भी हुआ। तो गौर मोहंडे अपने पुत्रियों का विवाह भी कम कम उम्र में किए थे, 9 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, ऐसे करके उन्होंने अपने पुत्रियों का विवाह किया था। और इसके लिए रजनी माता बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो प्रभुपाद की माता थी, कि यदि मेरी पुत्री 12 साल की हो गई है या शुरू हो गया है 12वां, तो जल्दी विवाह करिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो इसलिए इनके पिता, प्रभुपाद के पिता, बच्चों का विवाह बहुत कम उम्र में करते थे। उस समय ऐसा ही होता था, ये वैदिक परंपरा थी। तो वो कलकत्ता में प्रभुपाद के कई मित्र, प्रभुपाद नहीं, उनके पिता गौर मोहंडे के कई मित्र थे, तो उनके साथ बातचीत किया और उन्होंने एक लड़की जिसका नाम था राधा रानी दत्ता, उसके साथ प्रभुपाद का विवाह पक्का किया। राधा रानी 11 वर्ष की थी उस समय, उनके पहचान के दोस्त की पुत्री थी और अभय थे कॉलेज में, कॉलेज के तीसरे साल के विद्यार्थी थे। कोई आमदनी नहीं थी पर तब ऐसे ही विवाह हुआ करता था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था, वे किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता के प्रति सम्मान होने के कारण उन्होंने अपनी इच्छा दबा ली। और इस प्रकार अभय का विवाह हो गया, अर्थात प्रभुपाद का विवाह हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय।